प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सिविल अस्पताल सुंदरनगर तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर धर्मशाला का सिविल अस्पताल तथा दूसरे स्थान पर सिरमौर जिला का पांवटा साहिब अस्पताल रहा। बता दें कि सुंदरनगर के नागरिक अस्पताल में बेहतर ओपीडी व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने में सर्वश्रेष्ठ पाए जाने पर राज्य कायाकल्प अवार्ड कमेटी ने प्रथम श्रेणी वर्ग में 2019-20 के लिए तृतीय स्थान दिया है। स्थान को पाने पर नागरिक अस्पताल को 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। सिविल अस्पताल सुंदरनगर के SMO डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर के नागरिक अस्पताल में प्रदेश के कई जोनल अस्पतालों से अधिक ओपीडी है। इसके कारण यह प्रदेश के प्रथम श्रेणी के अस्पतालों में आता है। वर्ष 2019-20 में हुए सर्वेक्षण में राज्य कायाकल्प अवार्ड कमेटी ने प्रदेश के अन्य अस्पतालों के साथ साथ सुंदरनगर अस्पताल का भी निरीक्षण किया था। इसका परिणाम अब घोषित हुआ है और सुंदरनगर नागरिक अस्पताल को प्रदेश भर में तृतीय स्थान पर चुना गया है। राज्य स्तरीय कायाकल्प समिति द्वारा हमारे परसों जो है उसका जो आकलन है उसके जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए और उन रिजल्ट्स में सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर का तृतीय स्थान है और हमें जो है उसमें 10 लाख रुपए की राशि जो है इनाम में दी जा रही है। तो ये जो हमारा आकलन होता है कायाकल्प का, ये हमारा मेन जो थ्रस्ट इसमें स्वच्छता के ऊपर होता है, दूसरा किस तरह की हम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं सुविधाओं के ऊपर होता है, तीसरा हम जैसे बायो मेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर होता है कि भाई वो कैसे कर रहे हैं और हमारे जो स्टाफ की जो मतलब क्षमता है उसके ऊपर, मतलब सारा कुछ इन चीज़ों को देख करके इस अवार्ड का जो है मूल्यांकन किया जाता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का मूल्यांकन किया जाता है। तो हम पूरे हिमाचल प्रदेश में तृतीय स्थान पर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने जो स्टाफ का, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और हमेशा हर एक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनके ही मतलब इन जो अच्छे काम की वजह से आज हम हमारा हॉस्पिटल जो है हिमाचल प्रदेश में तृतीय रहा। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।